है गाइस, मैं प्रणीत पाटिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जो कॉमन प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली, ये हमारे जो भी फोन से, जो पुराने फोन से, अभी तो सारे कैमरा के लेंस पे जो है वो एंटी स्क्रैच ग्लास मिलता है, जिसके वजह से स्क्रैचेस नहीं आते। पर ये पुराने फोन थे जिनके ऊपर आसानी से कहीं पे रखने पे भी स्क्रैच आ जाते थे। तो अभी इस पे सॉल्यूशन क्या है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो फोन से इनके एक बार में कैमरा सैंपल्स आपको बता देता हूँ। अभी ये जो फोन है, तो इससे मैंने फोटो खींच ली है और एक क्लिक की हुई फोटो आप देख सकते हो कितनी ब्लर आई है। अभी इसके सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें अभी क्या क्या लगेगा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए लगने वाला मटेरियल है सेलो टेप, सीजर और ऐसा कोई भी पॉइंटेड शार्प सब्सटेंस लगेगा और एक कटर नाइफ की तरह। तो पहले हम इस फोन के इस बैक कवर को निकाल देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसके पीछे का ये कवर हटा दिया है। तो आपको अभी करना क्या है, सिंपली सेलो टेप लेना है और इसे ओपन करना है। ऐसे ओपन करना है और इसे न टच करते हुए ऐसे इस कैमरे पे लगा देना है और फिर या से कट करके, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, अभी मैंने इसे फर्मली इस कैमरा लेंस पे इसको स्टिक कर दिया है। आप इतना ध्यान रखें कि लेंस पे कोई बबल नहीं आना चाहिए और फिंगरप्रिंट सेलो टेप पे आना नहीं चाहिए और इजीली चिपक जाता है। और यहाँ से कट कर ले और यहाँ से कट कर ले, मैं आपको कट करके बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है। अभी हम इसका पीछे का पैनल लगा देंगे, और ये बैक पैनल। मैंने लगा दिया है, इसे स्टार्ट करेंगे और कैमरा चालू करें। अभी ये पीछे सेलो टेप लगाइए और मैं इस पे क्लिक करके इसकी फोटो निकाली और ये वो फोटो है जो मैंने सेलो टेप अप्लाई करने के बाद निकाली है। आप देख सकते हो पीछे से सेलो टेप अप्लाई किए पर यहाँ पे अभी दिख नहीं रही। और ये हमारी पहली फोटो है। इसमें हमने सेलो टेप अप्लाई नहीं किया है। तो आप डिफरेंस तो देख ही सकते हो कितना डिफरेंस आता है। अभी अभी क्या, इस फोन का पीछे का हुड तो खुलता था तो इसे हम डायरेक्टली इस पे लगा सकते थे। और फिर क्या, अगर पीछे का हुड ना खुलता हो, जैसे कि इन फोन का पैक हो, तो क्या करना है? तो सेम प्रोसीजर अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फोन पे भी सेम करना है, सिर्फ अभी आपको सेलो टेप अप्लाई करने से पहले किसी क्लीनर की हेल्प से पीछे का ये पूरा
क्लीन कर लेना है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ये पीछे का पूरा क्लीन कर लिया है और आपको हल्के हल्के पीछे लेंस पे स्क्रैचेस तो दिख ही रहे होंगे। तो अभी इसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। फोन ऐसे रख के सेलो टेप लेंगे, सेलो टेप निकालेंगे। तो इसके लिए बेसिकली आपको ये सेलो टेप निकालने के बाद एक क्लियर एरिया ढूंढना है, जैसे कि मैंने ढूंढ लिया ये, और इसे टच न करते हुए सीधे फोन के कैमरा लेंस पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ से कट कर लेंगे। तो दोस्तों सॉरी, मैं इसका आपको कैमरा कैसा है वो दिखाना भूल गया, तो इसलिए पीछे का सब निकालने के बाद पीछे कुछ भी नहीं लगाया। और अभी सैंपल फोटो, दोस्तों ये सैंपल फोटो। अभी दोस्तों आपको तो फोटो एकदम क्लियर दिखाई दे रही होगी, पर ये लाइट के वजह से हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लगाया। पर तभी भी इसका कैमरा थोड़ा सा ब्लर फोटोज निकालता है। तो अभी हम फिर से इसको पीछे से टेप लगाएंगे और फिर क्या आगे का मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने पीछे से ये सेलो टेप इस पर अप्लाई कर लिए। अब अप्लाई और कट हो जाने के बाद अभी ऐसा कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट लेकर इससे ऐसा हल्के से इस पे से घुमाएं, जिससे ये धीरे धीरे सेलो टेप कट होना चालू हो जाए। और ये हो जाने के बाद फिर लास्ट में ऐसी कोई शार्प नाइफ या कौन से भी यूटेंसिल ले और फिर इसकी बॉर्डर कट कर दो। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर सेलो टेप अप्लाई कर दिए। अभी हम इसका कैमरा स्टार्ट करेंगे। ये है वो फोटो और फिर अभी हम एकदम नई सी चकास फोटो खींचेंगे, फिर इनके डिफरेंस देखेंगे। अभी ये है वो लेटेस्ट फोटो मैंने खिंचाई हुई और ये वो पुरानी फोटो। तो आप देख ही सकते हो डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल ही जाएगा। तो गाइज आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूले और नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उस बटन को भी दबा देना और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको भी दबा देना, जिससे आपको मेरी भी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मिलता हूँ अभी मैं आपको अगली आइडिया लेके नेक्स्ट वीडियो में।